अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड गुड। इट्स मी योर होस्ट अदीबा, एंड आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक अमेजिंग सी रेमेडी फॉर हेयर फॉल। जिन लोगों को हेयर फॉल का मसला है और जो चाहते हैं कि आपके हेयर ऐसे लॉन्ग, शाइनी एंड हेल्थी हो जाए और आपके शोल्डर पर नहीं आपके सर पर रहे, और आप परेशान होते हैं जब आप कंघी करते हैं तो आप देखते हैं कि सारे के सारे बाल तो आपके कंघी में आ गए, आपके सर पर क्या बचेगा अब। और अगर आप मैंने और आपको भी ये मसला हो रहा है तो आप सब के लिए आज की अमेजिंग सी रेमेडी। बट रेमेडी को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात हो जाए, हेयर फॉल होते क्यों हैं जी? आपके बाल उस वक्त गिरना स्टार्ट हो जाते हैं जब आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो जाती है। आप अपने बालों पर डिफरेंट किस्म के शैम्पूज, कंडीशनर और डिफरेंट किस्म की कलर वगैरह यूज़ कर लेते हैं, जिनका रिएक्शन ये होता है कि आपके बाल बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, उनका जो टेक्सचर है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, और इसी केमिकल की वजह से वो जो है गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। सो आज की रेमेडी स्टार्ट करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आप ले लिए एक बोल, एंड उसमें 3 टेबल स्पून आपने अनियन जूस ऐड करना है। अनियन जूस बनाने का सिंपल सा एक तरीका है कि आप एक अदद अनियन लें, उसको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लें और उसे छन्ने में डालें। उसके बाद जब इसे प्रेस करें, उसे जो रस निकलेगा वो आपका अनियन जूस बन जाएगा। उसके बाद सेकंड जो इंग्रेडिएंट हम इस रेमेडी में यूज़ करने वाले हैं वो है अदरक का रस। तो अदरक का रस भी आप अनियन जूस की तरह ही निकालेंगे, और अदरक का रस निकालने के बाद ये हमें हाफ एंड हाफ कप ही चाहिए जो हमने अनियन जूस में ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इनके बाद हम यहाँ पे एक और इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं। ये होम रेमेडी है, सो आप बिल्कुल ना घबराइए। इसमें जो सेकंड इंग्रेडिएंट ऐड करने वाली हूँ वो है जी विटामिन ए का, जस्ट 1 कैप्सूल ऐड करूँगी। और इस कैप्सूल को ऐड करने के बाद हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेते हैं। इनको मिक्स करने के बाद हम इसको यूज़ करने वाले हैं अपने हेयर के लिए। लेकिन हेयर में यूज़ करने से पहले आप अपने हेयर को अच्छे से क्लीन कर लीजिए, देन आप रुई की मदद से इसे अपने हेयर के रूट्स पर लगाइए, और लगाने के बाद आप इसे छोड़ दीजिए मैक्सिमम अपने हेयर पर 20 मिनट तक। उसके बाद कोई भी जो केमिकल फ्री शैम्पू है उसके साथ अपने बालों को धो लीजिए। केमिकल फ्री शैम्पू ही यूज़ किया करें, बिकॉज ज़्यादा केमिकल यूज़ करने से भी आपका जो हेयर फॉल है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद जब अपने हेयर को वॉश करेंगे आप हैरान कन रिज़ल्ट पाएंगे, और मेरी इस रेमेडी को आप वीक में मैक्सिमम 2 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ करने के बाद आपको इस रेमेडी के क्या रिज़ल्ट मिले वो मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद भी आपके बाल ऐसे ही मॉडल की तरह लंबे, शाइनी, घने हो जाएंगे। और अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेमेडी में।